तो काफी लंबे इंतजार के बाद सलार का हिंदी ट्रेलर भी फाइनली रिलीज हो गया। मैं बहुत देर तक वेट करता रहा, पहले इसके तेलुगु ट्रेलर को देखा, फिर इसके बाद इंतजार किया कि हिंदी आएगा। तो हिंदी ट्रेलर को देखने के बाद इसके ब्रेकडाउन को करने की कोशिश करी एंड कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ में आनी शुरू हुई है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस ब्रेकडाउन को मैंने सुपरफिशियल रखा है ताकि जितना हो सके मूवी की स्टोरी स्पॉइल करने की कोशिश ना करी जाए। ऑल्दो हमको प्रशांत नील ने ऑलरेडी इस मूवी की स्टोरी के बारे में काफी कुछ चीजें बता दी है, इससे हमको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि सलार आखिरकार किन चीजों के बारे में होने वाली है। और हमको ये भी पता चल चुका है कि KGF से अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, तो मतलब KGF से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए ये सोच के मत जाना कि इसमें आपको रॉकी भाई की एंट्री देखने को मिलेगी, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस मूवी। और इस ट्रेलर को देखने के बाद ये चीजें और भी ज्यादा अपेरेंट हो जाती है। टीजर में जो हिंट्स थी KGF को लेकर, वो चीजें इन लोगों ने ट्रेलर में करेक्ट कर दी है। वो कैसे, आइए उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर ओपन अप होता है दो बच्चों के शॉट से, जिनको देखकर ये समझ में आ जाए कि तो एकदम बेस्टम बेस्ट फ्रेंड्स है। एक का नाम है देवा, दूसरे का नाम है वर्धन। एंड वर्धन जो है उसने काफी सारी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है। ये ज्वेलरी इस पूरी मूवी और इस पूरे ट्रेलर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, मैं आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। फिलहाल के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है देवा और वर्धन का बॉन्ड, और उसी के ऊपर ही पूरी की पूरी मूवी बेस्ड होगी। इस ट्रेलर को देखकर ये समझ में आ जाता है कि वर्धन का रोल बड़े होकर के पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले करेंगे और देवा जो है वो हमारे प्रभास जी होंगे। लेकिन फिर इसके बाद हमको इस मूवी का एक इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप और जो वर्ल्ड बिल्डिंग होती है वो बतानी शुरू करी जाती है। एंड आई फील दैट इज द मोस्ट इंट्रीगिंग पार्ट फॉर मी अबाउट दिस मूवी, और उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी। तो मैं जो कुछ भी मुझे समझ पाया वो मैं आपको बताता हूं। तो हमको स्टार्टिंग में ये शॉट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि आज से कई हजारों साल पहले कुछ डाकू टाइप के लोग आए और उन्होंने इस पर्टिकुलर जगह पे राज करना शुरू किया, और फिर आगे जाकर इस जंगल को उन्होंने खानसार नाम दिया। नाउ सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस नाम में ही काफी कीवर्ड छुपा हुआ है, एंड दैट इज खान। और नहीं, मेरा मतलब शाहरुख खान या सलमान खान से नहीं, मेरा मतलब सोने की खान से है। आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू बी अगेन बेस्ड ऑन माइनिंग लाइक KGF, क्योंकि ये जो पूरा खानसार है इसको ये लोग आगे जाकर एक किंगडम की तरह एस्टैब्लिश करके फोर्ट्रेस में ऐसे लॉक इन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर ये लोग माइनिंग का काम कर रहे होंगे, इसी वजह से किसी को अंदर बाहर अलाउड नहीं है जैसे उन लोगों ने KGF में किया था। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस ट्रेलर में भी हमको कुछ ऐसे माइनिंग के शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसे बॉम्बिंग एक्टिविटी हो रही है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो पूरा एम्पायर इन लोगों ने खड़ा किया है ये माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू किया हो। लेकिन अगर आप इस शॉट को ध्यान दोगे तो आपको नोटिस होगा कि यहां पर अलग अलग ट्राइब्स हैं और इन ट्राइब्स के लोगो एनिमल से मैच करते हैं। सबसे पहले ये प्रोबेबली ऑक्स ट्राइब है, क्योंकि इसने ऑक्स का मास्क लगा रखा है और उसके ऊपर से इन लोगों ने सींग विंग भी पहने हुए हैं। और इसके बाद हम इन पूरी ट्राइब्स को अपना रास्ता बनाते हुए देख सकते हैं जो इन्होंने किंगडम एस्टैब्लिश किया है उसकी तरफ, क्योंकि ये पहले ब्रिटिशर्स से फाइट करते हैं। और उसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो पूरी की पूरी फोर्ट्रेस है मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। लेकिन ये वाला शॉट आई थिंक इनके थ्रोन रूम का होगा, जहां पर हम तीन अलग अलग स्टैचूज को देखते हैं। ये सबसे सेंटर वाली ऑक्स ट्राइब को रिजेंबल करती है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, उसके बाद ये ईगल ट्राइब होगी, एंड ये वाली प्रोबेबली वुल्फ वाली। एंड जहां तक मुझे समझ में आया तो इन लोगों में भी एक हायरार्की सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि ऑक्स ट्राइब इन दोनों ट्राइब्स के ऊपर आती है और इनका लीडर इन दोनों ट्राइब्स को रूल करेगा। मतलब जो ऑक्स ट्राइब का सरदार होगा वो पूरे के पूरे खानसार पे रूल करेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अगर आप नोटिस करोगे तो इन सब ट्राइब वाले लोगों में भी डिसिमिलैरिटीज है। मतलब जिस तरह से ये अपने आप को ड्रेसअप करते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बंदा कौन सी ट्राइब को बिलोंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑक्स ट्राइब वाले हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो नोज रिंग्स पहनते हैं, जो इन लोगों की स्टैच्यू पे भी मौजूद है, और काफी प्रोमिनेंटली हम पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर और इनके पिताजी के कैरेक्टर पे भी नोटिस कर लेते हैं। फिर इसके बाद आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस दो, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्स ट्राइब वाले गले में भी बड़े बड़े मोटे मोटे नेक रिंग्स भी पहनते हैं, जो हम एक बार फिर से पृथ्वीराज और उसके पिताजी पे नोटिस करते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि ये बंदा शायद वुल्फ ट्राइब को बिलोंग करता है, क्योंकि इसने गले में ऐसे वुल्फ जैसा दिखने वाला कुछ पहना हुआ है जो मुझे विचर से काफी ज्यादा मिलता जुलता लगा। बहुत क्लियर तो नहीं है दो। और अगर ये वुल्फ ट्राइब को बिलोंग करता है तो हो सकता है कि ये लेडी बिलोंग करती हो ईगल ट्राइब को। लेकिन इन सब में फिर एंट्री हो जाती है इस बंदे की, जो मुझे लगता है कि ऑक्स ट्राइब को ही बिलोंग कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज नेक रिंग्स, अगर मेरी थ्योरी सही निकलती है तो। और अगर आपको ये बंदा कहीं देखेला देखेला लग रहा है तो ये शायद वही KGF के गरुड़ा भाई है जो हमने KGF चैप्टर 1 में देखे थे। अगर ये बंदा इस वाले पार्ट में है तो फिर ऑब्वियसली क्लियर हो जाती है कि सलार KGF से कनेक्टेड नहीं होने वाली, क्योंकि गरुड़ा भाई को तो हमारे रॉकी जी ने उड़ा दिया था ना। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगता है एक और भी बहुत सिग्निफिकेंट पीस ऑफ ज्वेलरी है, और वो है एक आर्म ब्रेसलेट जो प्रोबेबली इन सारी ट्राइब्स का जो सबसे मेन लीडर होगा वो पहनता है, और वो है वरदान के पिताजी, जो कि उसको लीडर बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को सरदार बनते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन ये बोल करके वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाते हैं, और जैसे ही वो उड़ के जाते हैं हमको पता चलता है कि यहां पर बहुत ही खतरनाक लेवल
की पॉलिटिक्स चल रही है और वो सब के सब मिलकर वरदान के खिलाफ म्यूटिनी कर देते हैं, इनफैक्ट उसके खुद के ऑक्स ट्राइब के लोग भी। और हालांकि वो लोग फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिरी में कैप्चर हो ही जाते हैं। और फिर हम इस बंदे को वरदान की नोज रिंग निकालते हुए देखते हैं, जो मुझे लगता है कि एक काफी सिग्निफिकेंट चीज होगी इस यूनिवर्स में। लेकिन आगे जाकर हमें इन ट्राइब्स के नाम भी पता चलते हैं, जिसमें से एक नारंग है जो रशियंस को लेके आ रहे हैं। नहीं, वो वाली नहीं, आर्मी की बात हो रही है। और दूसरी प्रोबेबली गुरुंग ट्राइब है जो सर्बियन आर्मी को लेके आ रही है, एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू अटैक ऑन खानसार। और यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर बंदा दिख रहा है, इसके हाथ में कई सारे मशेटे ब्लेड्स हैं और हॉलस्टर भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसी चीज का इस्तेमाल हमारे प्रभास जी करेंगे आगे मूवी में, पहन करके इन्हीं को उड़ाएंगे। और इसके बाद वर्धन जाता है देवा की हेल्प मांगने के लिए, जो मुझे लगता है कि इस पिक्चर में मैकेनिक का रोल प्ले करने वाले हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पेचकस, पाने, पिंचेस सब कैरी कर रहा है ये बंदा। और फिर इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है हमारे रेबेल स्टार प्रभास की, स्पॉन्सर्ड बाय मैन ऑफ कल्चर। मजाक करो कहा हमारी तो, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इस शॉट से हमको समझ में आ जाता है कि पाने पिंचेस सब है उनके पास, साथ में एक चश्मा भी कैरी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला शॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हैंगर्स और टेंट वगैरह बने हुए हैं, और ये वही शॉट है जो हम लोगों ने टीजर में देखा था, बस इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर दिया गया है। बस इन लोगों ने टीजर से इस ट्रेलर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज को चेंज कर दिया, और वो है इन हैंगर के ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसको मिटा दिया। मतलब इस ट्रेलर में आपको अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, मतलब केजीएफ से जो भी कनेक्शन था वो खत्म, बड़ा दीवारों पर लिखी हुई चीजें Still existing, like Shruti Hassan, जो इस ट्रेलर में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थी। एंड देन हम प्रभास के कुछ मल्टीपल शॉट्स देखते हैं, जिसमें वो स्मोक करते हुए किसी को पंच मार रहे हैं तो वो टकरा रहा है टायर में जा करके, फिर इसके बाद किसी का गला काट दे रहा है, किसी की टांग काट दे रहा है, एंड वो सब चीजें हमको एकदम क्लियर दिखाई जा रही है, एब्सोल्युटली नो फिल्टर। और ये अपने हाथ से चाटा मारने वाले शॉट को देखकर मेरे को केजीएफ चैप्टर 1 की याद आ गई, जिसमें रॉकी भाई पकड़ के अपने बाल ठीक कर लेते हैं गुंडे खुद के हाथ से। आई सी व्हाट यू डिड देयर प्रशांत जी। इसके बाद हम वर्धन और देवा को आपस में बात करते हुए देखते हैं, प्रोबेबली वही शॉट होगा जिसमें उनको कन्विंस करने जाते होंगे। मुझे लगता नहीं कि देवा को कन्विंसिंग की जरूरत भी पड़ेगी एक्शन में उतरने के लिए, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन एक्शन। प्लस वो बचपन में ऐसे ब्लड ओट टाइप का भी करता है कि जब तेरे को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आएगा, हंट या हंटर जो बनना है वो बनने के लिए। लेकिन अगर आप यहां नोटिस करोगे तो साइड में एयर फिल्टर क्लीनर की स्पेलिंग गलत है। लेकिन ये वाला शॉट भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इस पूरी बस्ती को देखकर पूरी केजीएफ वाली बस्ती की फील आ रही है। और ऐसा ही सेम शॉट हम लोगों ने टीजर में भी देखा था, जहां पर दो बच्चे से कूदते हुए जा रहे थे। बस यहां पे एक काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है कि अगर आप नोटिस करोगे तो पूरी की पूरी बस्ती एकदम खाली लगती है, ऐसा लगता है किसी ने इसको अबैंडन कर दिया हो। और फिर इसके बाद हमें ट्रेलर का लास्ट शॉट देखने को मिलता है, जिसमें प्रभास के हाथ में दो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी है और उनके पीछे मल्टीपल ब्लेड्स दिखाए जा रहे हैं। ये शॉट देखने में काफी कूल लगा मुझे पर्सनली, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि फोर शेडोइंग हो, बिकॉज प्रभास अपने हाथ में कुल्हाड़ी कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि इस मूवी में वो मल्टीपल ब्लेड्स भी कैरी करेंगे, तो हो सकता है उसी चीज को लेकर फोर शेडोइंग करी गई हो। देख लेना भाई आगे पिक्चर में इतने ब्लेड कैरी करेगा बंदा। तो कुल मिला के सलार का ट्रेलर देखने में काफी इंटरेस्टिंग था, एंड आई अंडरस्टैंड द फील दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि इसको इन लोगों ने केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट क्यों नहीं किया, जब पहले आप लोगों ने इसके साथ में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश ऑलरेडी कर दी थी, तो फिर बाद में व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड। आई मीन चीजें बहुत ही आराम से कनेक्ट करी जा सकती थी, बिकॉज दोनों मूवीज की टोन काफी सिमिलर फील होती है, दोनों मूवी थीमेटिकली काफी सिमिलर सी लगती है। बट हाँ, मैं इन चीजों के पीछे का लॉजिस्टिक्स नहीं समझता, एक कैमरे के पीछे बैठ के कॉमेंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो डायरेक्टर और उसके पीछे के प्रोड्यूसर्स ही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसके अलावा आपको भी कुछ समझ में आया तो वो सारी चीजें मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर मुझसे कुछ भी मिस हो गया तो वो भी, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, आई विल टॉक अबाउट दिस मोर। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब के लिए बोले रहने देते। जाए से पहले फ्लिकवेस से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग कीप एग्जिस्टिंग लाइक श्रुति हसन डिड इन दिस ट्रेलर।